बिहार के बक्सर जिले में स्थित तहसील डुमराव, जो किसी जमाने में प्रिंसली स्ट्रीट के नाम से मशहूर था, जहां के महाराज का बोलबाला लंदन में भी था। हाँ, हम उसी डुमराव की बात कर रहे हैं जहां कभी लालटेन फैक्ट्री, सूता फैक्ट्री, सिंदूर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री और अपने अन्य उद्योग के लिए भला फूला शहर था। जी हाँ, जो कभी इतना खुशहाल और अपने उद्योग धंधों के लिए परिपूर्ण था कि यहाँ नेपाल और बंगाल के मजदूर यहाँ रोजगार पाने के लिए आते थे। शायद आपको यकीन नहीं आएगा, पर सच यही है। यहाँ के लालटेन फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा कामगार काम किया करते थे, पर इस शहर की खुशहाली को राजनीति लील गई। जी हाँ, 90 का दशक आते आते लगभग सभी फैक्ट्रियों पर एक एक कर ताले लगने लगे। रोजगार देने वाले शहर के लोग खुद बेरोजगार होने लगे और 90 के दशक और उसके पहले के सरकारों की उदासीनता के कारण एक एक कर सभी फैक्ट्रियों पर ताला लगना शुरू हो गया। और आज स्थिति ये है कि आज यहाँ एक फैक्ट्री भी नहीं बच पाई है। डुमराव के राजा ने आजादी के समय ही यहाँ लालटेन की फैक्ट्री लगाई थी, जहाँ से लालटेन पूरे देश में सप्लाई होने लगा। वो फैक्ट्री यहाँ के हजारों मजदूरों की जिंदगी थी, लेकिन 1988 में सरकार की लापरवाही के वजह से ये लालटेन फैक्ट्री वीरान हो गया, यानी बर्बाद हो गया। ठीक इसके 2 साल बाद लालू यादव की पार्टी सत्ता में आई तो साथ में इस फैक्ट्री के मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण भी साथ लाई। पर इस सरकार ने, जिसके पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन था, उसने भी इस लालटेन फैक्ट्री पर ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ के मजदूरों ने दूसरे राज्यों में पलायन शुरू कर दिया। आखिरकार मजदूरों के उम्मीद का किरण भी पस्त हो चुका था। डुमराव में 1968 में सूत मिल खोली गई थी। इस मिल में बने धागों को समूचे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। रेलवे लाइन के किनारे इस सूत मिल ने डुमराव को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई, मगर यूनियन बाजी और बिजली बिल का करोड़ों रुपया बकाया होने के कारण 90 के दशक में इस मिल में ताला लग गया। इस मिल को बंद होने से बचाने के लिए उस वक्त की सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और ये मिल भी बंद हो गई और अपनी पहचान के साथ डुमराव के खुशहाली पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। वो भी क्या दिन थे, जब साल 1999 तक डुमराव में बिहार के कोने कोने से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से सैकड़ों कामगार आकर नौकरी करते थे। यहाँ के फैक्ट्रियों से निकलने वाला उत्पाद भी देश के कोने कोने में सप्लाई होता था। लेकिन आज के हालात किसी से छुपे नहीं हैं कि यहाँ के लोग आज दिल्ली, मुंबई और गुजरात में जाकर दर दर की ठोकर।